हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज आपको हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी इंटरनेंस फाइल है उसका फोर्थ पॉइंट करने जा रहे हैं, जिसे निदानात्मक शिक्षा कहते हैं या उपचारात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना इसका नेक्स्ट है। तो प्रस्तावना पर आते हैं। निदानात्मक कार्य के समय जो जानकारियां मिलती हैं उन पर नियंत्रण करने तथा उपचार करने के लिए उपचारात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके लिए छात्रों की रुचि, प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि विषय की जानकारी शिक्षक को पहले से हो तो शिक्षक को शिक्षक की विधियां व युक्तियों के चयन में आसानी रहती है। यह है कि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसे पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे, तो उसको हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक क्रियाओं में निम्नलिखित दो तत्वों का प्रावधान होता है, शिक्षक कौशल का उपयोग, पृष्ठ पोषण की समुचित व्यवस्था, रेमेडियल टीचिंग की स्थिति, बच्चों की कमियों को पता करने, नियम गतिविधि को सूचित करने के साथ साथ होती है। अब क्रिया आधारित शिक्षण पर जाते हैं। ज्ञान प्रदान करने वाली क्रियाओं द्वारा वस्तुओं को प्राप्त होने का स्थान व समूह की जानकारी देना, ज्ञान व्यक्त करने वाली वस्तुओं जिसमें बालक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपकी हिचकिचाहट दूर हो सकती है। कौशल विकास की क्रियाएं जो बाह्य विभिन्न वस्तुओं को बनाकर प्राप्त करते हैं, इसे रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। अवधारणा विधि व परिपक्व करने वाली क्रियाएं कराना, बच्चों को गणित आदि का ज्ञान कराना, इसमें हम रेमेडियल टीचिंग विधि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसे दर्शाते हैं। जैसे कि हम बच्चे की कोई कठिनाई है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसे देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बच्चों को शिक्षा जो दी गई है उसका उसके लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया है, अंताक्षरी। अंताक्षरी से बच्चों से सवाल पूछे, काला कल कल, ला से क्या बर्ड आगा, ला से कुछ भी बोल दो, लालच, इस तरीके से कोई भी बर्ड बोलो जिससे कि बच्चे पूर्ण तरह से सीख सकें। रुचिपूर्ण शिक्षण पे आते हैं। बच्चों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए तथा कठिन विषय सरलता से समझाने के लिए बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षण देना चाहिए। इसके लिए विषय वस्तु को ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे आकर्षित हो सकें। कहानियां, चुटकुले, चार्ट पेपर, TLM का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में तनाव नहीं रहेगा और बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। बच्चों के लिए कुछ अच्छे से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। हमारे इसके मुख्य कारक हैं विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सद्व्यवहार बनाना, TLM का प्रयोग करना, विषय परिवर्तन, खेल गतिविधि, वाद विवाद। इनके द्वारा हम अपने शिक्षण को अच्छे से निभा पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब समालोचना पर आते हैं। समालोचना निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्रों के विषय को याद करने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाया जाए एवं त्रुटियों को विश्लेषण पर उपचार शिक्षण की योजना बनाई जाए। छात्रों की खेल में रुचि को देखते ये आवश्यक महसूस की गई कि खेल के दौरान मैदान में छोटे बच्चे के लिए पर्याप्त झूले होने चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए अलग अलग खेल सामग्री भी विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय तथा समाज के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने हेतु समय समय पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम संचालित कराना, इसके लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। हम बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई आने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन हम इस शिक्षा में करते हैं, और लास्ट में हम करते हैं अपने प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर। ठीक है।